जी बेटा वी फिनिश विद ट्रांसफर ऑफ हीट हमने पढ़ लिया था कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन एवपोरेशन ठीक है इसके क्वेश्चंस कर लेंगे असाइनमेंट दे दूंगा अब इंपॉर्टेंट चीज है हीट में कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस इन हीट तो सबसे पहले पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी हेडिंग लिखिए हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी बेटा या हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक ही बात है जी बेटा फॉर एग्जाम्पल जो एक ऑब्जेक्ट है इस एन ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको बर्नर पे रखूंगा हीट ऐड करूंगा आपको पता है क्या होगा जब हीट ऐड करेंगे तो उसका टेंपरेचर क्या हो जाएगा टेम्परेचर ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ये गर्म हो जाएगा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा सिमिलरली अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फ्रीजर में रख दूंगा फ्रिज में रख दूंगा फ्रिज में रखते हैं तो हम क्या करते हैं इससे हीट रिमूव करते हैं हीट रिमूव करते हैं जब हीट रिमूव करूंगा मैंने कहां पर रख रख दिया दिया उसको फ्रीजर में फ्रीजर में आई प्लेस्ड इट इन द फ्रीजर हीट रिमूव की तो इससे क्या होगा इसका टेम्परेचर कम हो जाएगी तो सबको पता है बर्नर पे रखें तो टेम्परेचर बढ़ता है फ्रिज में रखें तो टेम्परेचर कम होता है बर्नर हीट ऐड करता है फ्रीजर हीट निकालता है रिमूव करता है ओके okay. अच्छा बेटा हीट ऐड करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है हीट रिमूव करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है यू you नो know, अब हम बात करते हैं एक डिग्री टेम्परेचर एक डिग्री और एक कैलवन टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको हीट चाहिए देखो बेटा इसका टेम्परेचर है सपोज 19 डिग्री सेल्सियस और मुझे इसका टेम्परेचर 20 करना है तो मुझे हीट एड करनी पड़ेगी एक डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है तो जितनी हीट ऐड करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी हीट तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी Amount of heat required to change the temperature by one Kelvin. Celsius से Kelvin एक ही बात है जब आप change की बात करते हैं ना तो Kelvin में और degree में change एक ही होता Kelvin। पता ना आपको इसमें टू सेवेंटी थ्री एड नहीं करना चेंज में दोनों में एड कर दिया फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था उस दिन लेकिन दोबारा सुन लें टी वन कितना है नाइनटीन डिग्री सेल्सियस टी टू कितना है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इनमें चेंज इन टेम्परेचर कितना है वन डिग्री सेल्सियस है ना अगर आप कैलवन में करेंगे यहां भी टू सेवेंटी थ्री एड करेंगे यहां भी टू सेवेंटी थ्री एड करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा आपके पास रहेगा क्या वन कैलवन करके देख लें मिशक आप ये कितना मनता है इसमें ऐड करें टू आ, ए, टू नाइनटी टू और ये कितना मनता है टू नाइन्टी थ्री देखो ना ये टू नाइनटी टू कैलवन हैल्वन है, है माइनस करें तो क्या आ रहा है तो चेंज चाहे सेल्सियस में लिखी जाए ये कैल्वन में लिखी जाए एक ही बात होती है तो वट इज हीट कैपेसिटी किसी बॉडी का उम्र एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी बॉडी का लेट मी फिनिश ना किसी बॉडी का एक कैल्वन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट ऐड करनी पड़ती है वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है और किसी बॉडी का टेम्परेचर वन कैलवन कम करने के लिए डिक्रीज करने के लिए जितनी हीट निकालनी पड़ती है वो होती है इसकी हीट कैपेसिटी तो, फॉर्मुलर वर्ड में क्या बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू तो चेंज द टेम्परेचर बाय वन कैलवन ठीक है तो डेफिनेशन लिखिए आप कुछ कह रहे थे उम्र आप हाथ ऊपर कह रहे थे मैं ज्यादा में से कम को माइनस करूं टी टू माइनस टी वन पत्र चेंज की बात करें टी टू माइनस टी वन वन ही आएगा जी तो लिखिए डेफिनेशन हीट कैपेसिटी की द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ओके इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको जी बेटा द अमाउंट ऑफ हिट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर नॉन सी बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है ए और यह ऑब्जेक्ट है बी चले सेम मैथ है जल्दी से मेरी बेटियां आगे आ जाए जितना मैक्सिम आगे बैठ सकती है उतना बेहतर है प्लीज आपके बैग आगे ले प्लीज हरी हरियप और इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया हमने इतना बोरिंग नहीं है ये प्लीज सिट डाउन वी स्टार्टेड हीट कैपेसिटी आप, आप क्या से मैंने उन्हें बताया कि अगर आपने किसी बॉडी में हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा हीट रिमूव करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा एक डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए एक डिग्री टेंपरेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट डालनी या निकालनी पड़ती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी ओके फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है मैंने मुझे इसका टेंपरेचर T1 कितना है सपोज T1 है 10 डिग्री सेल्सियस और मुझे T2 कितना करना है uh, 20 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इसका चेंज इन टेम्परेचर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा हीट ऐड करनी पड़ेगी अच्छा ये बॉडी है इसका टेम्परेचर इनिशियल टेन डिग्री है और मैंने फाइनल कितना करना है फाइनल टेम्परेचर करना है हंड्रेड डिग्री तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है नाइन्टी डिग्री या 90 कैलवन एक ही बात है ना चेंज दोनों में एक होता है ना ओके आप मुझे बताओ ए को हीट ज्यादा देनी पड़ेगी कि बी को हीट ज्यादा देनी पड़ेगी एक का टेंपरेचर टेन कैल्वन बढ़ाना है एक का टेम्परेचर 90 कैल्वन बढ़ाना है सेम मैसेज है सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो किसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी ऑब्वियसली बी को तो क्या लिख तू इट रिक्वायर्स इसी तरह डायग्राम बनाए लिखिए इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी मोर हीट इट रिक्वायर्स मोर हीट इट रिक्वायर्स मोर हीट दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी एक का टेम्परेचर बेटा 10 से 20 करना है 10 डिग्री या 10 केल्विन इंक्रीज करना है 10 डिग्री और 10 केल्विन इंक्रीज करना है एक का टेम्परेचर 10 से 100, 90 डिग्री या 90 केल्विन इंक्रीज करना है दोनों में हीट ऐड करनी पड़ेगी हीट ट्रांसफर को बोलते हैं क्यू क्यू हीट ट्रांसफर क्यू चार्ज के लिए भी यूज करते हैं हीट ट्रांसफर के लिए भी यूज करते हैं क्यू हाँ जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट चेंज इन टेम्परेचर मानते हैं आप खुद बताया आपने कि सर उसको ज्यादा हीट चाहिए उसका टेंपरेचर ज्यादा चेंज करना है ज्यादा हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी तो हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर इक्वेजन बनाए Q इज इक्वल टू कैपिटल C डेल्टा T। दिस कैपिटल C इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी कैपिटल C होते हीट कैपेसिटी

मैंने आपको डिक्टेट करवाई है जो लोग लेट आए उन्होंने लिखी होगी लिख लें वट इज हीट कैपेसिटी इट इज हीट कैपेसिटी इज इट इज हीट ट्रांसफर्ड क्यू को हीट ट्रांसफर कहते हैं हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इट इज हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर हीट कैपेसिटी कैपिटल सी कॉन्स्टेंट यार प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए इजिकल टू और कॉन्स्टेंट नहीं लगाते तो उसका नाम चाहे सी रख लूँ मैं चाहे डी रख लूँ चाहे ए रख लूँ कॉन्स्टेंट है ये ठीक है हाँ भाई डन ओके इसकी यूनिट क्या बनेगी बताओ देख के सोच के व्हाट इज यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी चार्ज सॉरी हीट एनर्जी क्यों चार्ज भी होता है ना चार्ज से कर हीट एनर्जी की यूनिट जाउल चेंज इन टेंपरेचर की यूनिट क्या होती है कैलवन तो उसकी यूनिट क्या बनेगी पर सॉरीवनियसा ऐसे, uh, ऐसे यूनिट कैलवन है अच्छा भाई एक ऑब्जेक्ट है इसकी हीट कैपेसिटी है 800 हंड्रेड पर कैलवन क्या मतलब है इसका इसकी हीट एनर्जी है हीट कैपेसिटी है 800 हंड्रेड जॉल्स पर कैलवन मीन जबरदस्त कि जब आप इसको 800 सौ जॉल एनर्जी देंगे ना तो उसका टेंपरेचर 19 से 20 हो जाएगा 11 से 12 हो जाएगा 40 से 41 हो जाएगा जब आप इसको कितनी एनर्जी देंगे 800 सौ जाउल एनर्जी देंगे क्यों कितना होगा 800 हंड्रेड जॉल्स तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा इसका वन कैल्वन जितनी हीट कैपेसिटी होती है उतनी एनर्जी देंगे तो एक डिग्री टेम्परेचर ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा आठ सौ जो निकालेंगे तो वन केल्विन कम हो जाएगा हीट डालेंगे तो बढ़ जाएगा हीट निकालेंगे तो बेटा कम हो जाएगा गेट इट सही है ना तो अगर मैं यू लिख दूं ऐसे कर दूं आप मुझे बताएं जरा मैं कहता हूं जी एक ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है जी ये ऑब्जेक्ट है इसे प्लस कर दिया क्या प्लस कर दिया हीट कैपेसिटी अच्छा ये ऑब्जेक्ट था एट 12 डिग्री सेल्सियस इसमें सी ऐड कर दिया सी इज वॉट हीट कैपेसिटी ऐड कर दी तो क्या बनेगा ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा ऑब्जेक्ट की शक्ल में कोई फर्क नहीं आएगा लेकिन क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट वही होगा तो लेकिन क्या हो जाएगा एट उसका क्या हो जाएगा जब हीट कैपेसिटी ऐड करेंगे जब इस पर हीट कैपेसिटी ऐड करेंगे तो इसका टेम्परेचर 12 से क्या हो जाएगा बेटा 13 डिग्री सेल्सियस तो एक ऑब्जेक्ट में अगर आप हीट कैपेसिटी ऐड कर देंगे तो उसका डिग्री वन डिग्री बढ़ जाएगा और ऐड कर दें इसके अंदर इसके अंदर ऐड कर दें दोबारा तो फिर ये फोर्टीन पे आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट एट थर्टीन डिग्री सेल्सियस है इस फिर ऐड कर दी अलग से लिखना चाहिए मुझे ये ऑब्जेक्ट है एट थर्टीन डिग्री सेल्सियस इस पर हीट ऐड कर दी हीट कैपेसिटी तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा टेम्परेचर कितना हो जाएगा फोर्टीन डिग्री सेल्सियस तो अगर एक ऑब्जेक्ट में हीट कैपेसिटी एड करेंगे तो उसका वन कैलवन टेम्परेचर बढ़ जाएगा निकालेंगे निकालें में तो माइनस करेंगे ये ऑब्जेक्ट है जी ये ऑब्जेक्ट है कि कहां पे बैठा हुआ टेन डिग्री पे मैंने इसको माइनस कर दी क्या माइनस कर दी हीट कैपेसिटी तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा सेम ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन टेम्परेचर कितना हो जाएगा तो सिंपल हीट कैपेसिटी डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा एक कैलवन हीट कैपेसिटी निकालेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा एक कैलवन हीट कैपेसिटी डालेंगे ना ये बात क्लियर है सबको चले लिखिए लिखिए एन ऑब्जेक्ट हैज क्वेश्चन लिखिए एन ऑब्जेक्ट हैज द हीट कैपेसिटी 1000 जॉल्स पर कैलवन लिख के करो प्लीज An object has heat capacity 1000 joules per Kelvin. How much heat energy is required? 1000 joules per Kelvin. 1000 joules per Kelvin. How much heat energy is required? How much heat energy is required? To change its temperature, how much heat energy is required to change its temperature from 40 degrees Celsius to 90 degrees Celsius? How much heat energy is required to change its temperature from forty degree Celsius to 90 degrees Celsius? आपको गिवन है एक ऑब्जेक्ट मैथ्स गिवन नहीं है मास चाहिए भी नहीं इसकी हीट कैपेसिटी, कैपिटल सी कितनी है 1000 थाउजेंड जॉल्स पर कैलवन हम क्या चाहते हैं हमें हीट एनर्जी निकालनी है क्या करने के लिए इसके टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बोला है फोर्टी से कितना करने के लिए बेटा 90 करने के लिए शाबश फॉर्मूला क्या है जी क्यू इज टू सी डेल्टा टी सी कितना है बच्चों वन थाउजेंड डेल्टा टी क्या होता है टी टू माइनस टी वन अच्छा कैल में चेंज करूं कि वैसे ही माइनस कर लूं एक ही बात है ना कैल में चेंज करके माइनस करें या वैसे माइनस करें आंसर सेम आएगा पचास मैं लिख देता हूं डेल्टा टी यहां पे टी टू माइनस टी वन नाइनटी माइनस फोर्टी इज फिफ्टी कैल टू फिफ्टी तो सबको पता है कितना आंसर आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड 50,000 फिफ्टी थाउजेंड जॉल्स एनर्जी देंगे तो उसका टेंपरेचर कितना हो जाएगा बेटा फोर्टी से 90 हो जाएगा एनी कंफ्यूजन वन थाउजेंड जॉल एनर्जी देंगे तो क्या होगा न थाउजेंड जॉल एनर्जी देंगे तो क्या होगा वन थाउजेंड जॉल्स एनर्जी देंगे तो क्या होगा इसका टेम्परेचर कितना है फोर्टी तो कितना हो जाएगा फोर्टी वन ठीक है टू थाउजेंड जॉल देंगे तो फोर्टी टू दो डिग्री बढ़ जाएगा थ्री देंगे तो थ्री डिग्री बढ़ जाएगा एंड सो ऑन आगे चले अच्छा मुझे ये बताओ आ, एक ही मटेरियल के दो ऑब्जेक्ट हैं एक छोटा और एक बड़ा एक छोटा सा बच्चा एक दो साल का और एक आप लोग किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली छोटे बच्चों को ज़्यादा लपेट के रखते हैं पेरेंट्स उनको जल्दी ठंड लग जाती है उनकी हीट कैपेसिटी कम होती है बेटा जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतनी जल्दी गर्म होगा एक कप चाय बनानी है और बीस कप चाय बनानी है एक कप जल्दी बन जाएगी कम हीट चाहिए चूल्हे को कम देर तक तो ऑन करना पड़ेगा बीस कप चाय बनानी है ज़्यादा पानी रखना पड़ेगा ना ज़्यादा पानी की ज़्यादा हीट कैपेसिटी कम पानी की हीट तो लिखते हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मैस हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मैस हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मैस लार्जर द मैस लार्जर द हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मैस लार्जर द मैस लार्जर द हीट कैपेसिटी बेटा जिनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है ना ज्यादा होती है उनका टेम्परेचर चेंज करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है टिक्स लॉन्गर ज्यादा हीट कैपेसिटी है ज्यादा एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर मुझे कंपेयर करना है इस तरह ग्राफ गे है कुछ ऑब्जेक्ट्स का बेटा यहां पे लिखा हुआ टेम्परेचर यहां पर लिखा हुआ टाइम कुछ ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी इनको मैं हीट दे रहा हूं हीट हीट दे रहा हूं सेम रेट पे हीट दे रहा हूं एक का टेम्परेचर यूं बढ़ रहा है एक का टेम्परेचर यूं बढ़ रहा है एक का टेम्परेचर यूं बढ़ रहा है फॉर एक्जाम्पल ये ए है ये सी है ये बी है तीन बॉडीज है मैं तीनों को हीट ऐड कर रहा हूं हीट ऐड कर रहा हूं सेम रेट पे हीट ऐड कर रहा हूं अब मुझे बताए इन तीनों में सबसे ज्यादा तो हीट कैपेसिटी किसकी है ए की बी की सी की सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी है <laughs> सी तो नहीं हो सकता ना यार ये या होगा ओके वेट ए सेकेंड नहीं आता नहीं आता सपोज नहीं आता सोचे थिंकिंग प्रोसेस क्या है आ, सी किसके इक्वल होता है क्यू ओवर इन दोनों में क्या रिलेशन है क्या रिलेशन है जिसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा उसकी हीट कैपेसिटी किसका टेंपरेचर ज्यादा बढ़ रहा है चले सपोज इतनी हीट दे रहा हूं मैं इतनी जरा ऊपर तक आए तो बी का टेंपरेचर कम राइज हो रहा है देखो ना यहां से यहां पे पहुंच रहा है और सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका राइज हो रहा है ए का तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा राइज होता है उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है जिसका टेंपरेचर तेजी से बढ़ रहा है ए इसकी हीट कैपेसिटी कम और जिसका टेंपरेचर आहिस्ता बढ़ रहा है ग्राफ का ग्रेडियंट कम है बढ़ रहा है देखो ना जल्दी से नहीं बढ़ रहा उतने टाइम में इसकी यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है ट्वेंटी और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे लिखा हुआ है थर्टी थर्टी लिखा हुआ है तो बी का कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव हो रहा है इतने टाइम में पहले ट्वेंटी था अब ट्वेंटी फाइव हो रहा है फाइव का चेंज आ रहा है लेकिन ए में क्या हो रहा है ट्वेंटी से थर्टी हो रहा है उतनी हीट देने से सेम हीट देने से तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है उसकी हीट कैपेसिटी कम है और बी का टेंपरेचर आता आहिस्ता बढ़ रहा है तो जब टेम्परेचर टाइम ग्राफ पे जिसका ग्रेडियंट कम होगा जिसका ग्रेडियंट स्लोप कम होगी उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी जो ग्राफ स्टीपर होगा उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी क्लियर टू यू तो लिख लेते हैं साथ इट हैज मोर हीट कैपेसिटी मोर हीट कैपेसिटी एज लेस चेंज इन टेम्परेचर और लेस ग्रेडियंट लेस ग्रेडियंट तो जिस ग्राफ का ग्रेडियंट कम होगा उसका मतलब यह हुआ कि उसका टेम्परेचर कम बढ़ रहा है जिसका ग्रेडियंट कम है टेम्परेचर टाइम ग्राफ है ग्रेडियंट कम है इसका टेम्परेचर कम राइज कर रहा है पांच डिग्री राइज कर रहा है ना और ए का बेटा ज्यादा राइज कर रहा है उतने ही टाइम में उतनी हीट देने से सबको सेम रेट पे हीट दे रहा हूं प्लीज़ कॉपी कर ले ग्राफ बनाए ए बी सी लिखे हरि प्लीज हरियप जो चीजें जल्दी ठंडी हो जाती है जल्दी गर्म हो जाती है उनकी हीट कैपेसिटी कम होती है जो देर से ठंडी होती है देर से गर्म होती है उनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है सॉरी तो सैंड की कम होती है हीट कैपेसिटी देखो ना दिन के वक्त सन धूप सैंड पे भी पड़ रही है और सी वाटर पे भी पड़ रही है सी वाटर कम गर्म हो रहा है तो सी वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा है सैंड दोपहर के वक्त सैंड का टेम्परेचर थर्टी है पानी का टेम्परेचर ट्वेंटी है सपोज ठीक है रेस कर दो बच्चों? ओके ओके सॉरी जल्दी बेटा जल्दी जल्दी फास्ट नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बोलो मुझे बताओ क्या कह रहे हो कुछ नहीं कह रहे इनिशियल टेम्परेचर ट्वेंटी है जीरो नहीं है ये मैंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया ट्वेंटी से स्टार्ट किया इनिशियल टेम्परेचर यहां जीरो होगा इनिशियल ट्वेंटी से रूम टेम्परेचर से गर्म करना शुरू किया अच्छा भाई हेडिंग लिखे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब हम स्पेसिफिक में ना मैस की बात करते हैं हम बात करेंगे एक केजी जी का एक कैलवन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है तीन होती है एक हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी। केमिस्ट्री में शब्द पड़ी हो मोलर हीट कैपेसिटी। एक मोल का वन के टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसकी मोलर हीट कैपेसिटी होती है स्पेसिफिकली एक के जी बात करते हैं हेडिंग लिखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा ये स्मॉल सी होता है स्मॉल सी कैपिटल सी था हीट कैपेसिटी ये स्मॉल सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओके यहां से शुरू करते हैं आ, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आप ऐसे शुरू करें फिर डिफाइन बाद में करते हैं ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी अच्छा मैथ्स दोनों का सेम है इसका मैथ्स इस भी एम है इसका मैथ्स इस भी एम है इसका चेंज इन टेम्परेचर करना है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और उसका टेम्परेचर चेंज करना है फाइव डिग्री सेल्सियस दोनों में हीट ऐड करनी पड़ेगी यहां भी हीट देनी पड़ेगी यहां भी हीट देनी पड़ेगी, पड़ेगी। रॉ करें जरा इस एग्जांपल से स्टार्ट करें दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी दोनों का मास सेम है सेम मैथ टेम्परेचर बढ़ाना है एक का 20 डिग्री बढ़ाना है चेंज इन टेम्परेचर ट्वेंटी करना है मतलब इसका इनिशियल टेम्परेचर 20 था तो मैंने 40 करना है T1 20 डिग्री था T2 40 करना है चेंज इन टेम्परेचर कितना करना है ट्वेंटी कैलवन इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था ट्वेंटी और मैंने फाइनल कितना करना है ट्वेंटी फाइव चेंज इन टेम्परेचर कितना है फाइव कैलवन ये लिखते कि ना लिखो बता दिए मैंने किसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी ए या बी को विच रिक्वायर्स मोर हीट ऑब्वियसली ए ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना है तो हम कह सकते हैं अभी पीछे भी पड़ा था हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्ट चेंज इन टेम्परेचर ये हमने हीट कैपेसिटी में भी पढ़ा है ज्यादा टेम्परेचर चेंज करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए कम टेम्परेचर चेंज करने के लिए कम हीट चाहिए बिल्कुल बात सही है अगर मैथ सेम है तो अब मैथ्स को चेंज करते हैं ने सब ने लिखा इट रिक्वायर्स मोर हीट सब ने बताया एट रिक्वायर्स मोर एनर्जी या हीट अच्छे जनाब अब दोबारा दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी इसका मैथ एम इसका मैस ट्वेंटी एम मैथ ज्यादा हैवी है ए बी चेंज इन टेम्परेचर दोनों का सेम है इसका टेंपरेचर भी कितना चेंज करना है ट्वेंटी uh, कैलवन इसका भी चेंज कितना करना है ट्वेंटी कैलवन दोनों का सेम टेंचर चेंज करना है बट आपको पता है बड़ा मैस है इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो सबको पता है इट रिक्वायर्स मोर हीट एनर्जी कॉपी करते हैं जल्दी जल्दी अब मैथ की बात कर रहे हैं तो यह हीट जो ट्रांसफर करेंगे वो चेंज इन टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही है ज्यादा टेंपरेचर चेंज करना है ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कम टेंचर चेंज करना है कम हीट देनी पड़ेगी दूसरी बात टेंचर चेंज दोनों का इक्वल है लेकिन इसका मैथ कम है इसका ज्यादा है एक कप चाय बनानी बीस कप चाय बनानी ज्यादा एनर्जी चाहिए इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी तो लिख सकता हूं ना हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू मैथ ये कब था जब जब मैथ कॉन्स्टेंट है ये कब है जब चेंज इन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है अब इन प्रोपोर्शन को कंबाइन को कर लें कंबाइन करें जी बिल्कुल कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा Q इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t। आप इस प्रोपोर्शन को इक्वेशन बनाना है तो कह नहीं यहां पे स्मॉल सी लिखूंगा मैं नाराज ना होना ठीक है so, तो Q इज इक्वल टू c एम डेल्टा थी आपने याद सी डेल्टा थी क्या हुआ तो ऐसे याद कर लें क्यू इज इड सी डेल्टा टी याद ऐसे कर ले व्हाट इज सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोशनैलिटी है इसको डिफाइन करने के लिए सब्जेक्ट बना लेते हैं सी को सब्जेक्ट बनाएंगे सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो किसके ऊपर आ जाएगा क्यू ओवर एम डेल्टा टी अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यू के इक्वल होगा अगर ये भी वन है और ये भी वन है क्या मतलब सिंपल वर्ड में एक के जी मैथ्स का एक कैल्वन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है

पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड देखो ऐसे फॉर्मूला से देख लो डिवाइड के बाद नीचे लिखा हुआ है ना बार के बाद तो, उसको तो तो पर पर बोलते हैं पर एक के को बोलते हैं यूनिट मास और ये भी पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर दोनों डिनोमिनेटर में है ना डिनोमिनेटर के नीचे को पर के बाद बोलते हैं पर यूनिट मैथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर सिंपल वर्ड में एक के जी का एक कैलवन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सिंपल वर्ड में लिखिए सिंपली ये डेफिनेशन तो वही है ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन लिखिए इसको समझाने के लिए बता रहा हूं इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय वन के जी यूनिट मास का मतलब होता है वन के जी इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय वन के जी टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय वन कैलवन टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय वन कैलवन फुल स्टॉप नेक्स्ट टाइम लिखे इसकी इसकी यूनिट लिख, लिख लेते हैं इसकी यूनिट क्या बनेगी क्यू की यूनिट क्या होती है जॉल्स। मैथ्स की यूनिट क्या होती है के जी और इन टेम्परेचर तो की यूनिट क्या होती है कैलवन तो इसकी यूनिट बन जाएगी जॉल्स पर केजी माइनस को पर पढ़ते हैं। पर कैलवन जॉल्स पर केजी पर कैलवन के जॉल्स पर केजी पर कैलवन के पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये होती है 4200 जౌल्स पर केजी पर केल्विन का मतलब बताएगा मुझे द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जౌल्स पर केजी पर केल्विन इसका क्या मतलब है पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जౌल्स पर केजी पर केल्विन व्हाट डज इट मीन ये देखो बिल्कुल एक के जी पानी को एक के जी पानी को एक के जी पानी है इसका टेम्परेचर नाइन डिग्री से हमें बढ़ा के क्या करना है टेन डिग्री एक डिग्री बढ़ाना है तो आपको कितने जॉल एनर्जी देनी पड़ेगी इतने जॉल्स जब इतने जॉल्स एनर्जी देंगे एक के जी पानी को जो नाइन पे, पे बैठा हुआ है तो टेन पे आ जाएगा टेन पे बैठा हुआ है तो इलेवन पे आ जाएगा नाइनटी नाइन पे बैठा हुआ है तो हंड्रेड पे आ जाएगा और अगर फोर्टी टू जॉल्स निकालूंगा नाइन पे बैठा हुआ है तो एट पे आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐड करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा रिमूव करूंगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा क्लियर सिंपल है ना अच्छा मुझे सोच के बताएं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी? बोलो इग्नोर कर देते हैं फार्मूला क्या बनेगा इन दोनों में रिलेशन क्या है गुड इन दोनों में रिलेशन क्या है बोलो जबरदस्त बिल्कुल सेफ फरमाया आपने देखो बेटा देखो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला एक कैपिटल सी था क्यू ओवर डेल्टा टी था ना और इसका फॉर्मूला क्या था स्मॉल का क्यू ओवर एम डेल्टा टी अच्छा आप जरा गौर से देखो ये चीज क्या है सी ये चीज क्या है सी तो स्मॉल सी इक्वल हो गया कैपिटल सी ओवर एम यह कैपिटल सी किसके इक्वल हो गया स्मॉल सी इंटू ये रिलेशन है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास दोबारा सुन लें दोबारा सुन लें बेटा इधर इधर देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है क्यू ओवर डेल्टा टी ये क्या होती है क्यू ओवर एम डेल्टा टी मतलब ये है कि अगर आप इसको मैथ पे डिवाइड कर लेंगे इसको नीचे मैस यहां मैस आ जाएगा तो ये बन जाएगा ना तो जब आप हीट कैपेसिटी को मैस पे डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी हीट कैपेसिटी पर यूनिट मैस हीट कैपेसिटी अगर आप इसको पढ़ें इस एक्सप्रेशन को पढ़ें वट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं इट इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मैथ हीट कैपेसिटी पर यूनिट मैथ क्या मतलब स्मॉल सी कब आएगा जब कैपिटल सी को मैथ पे डिवाइड करेंगे स्मॉल सी क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल सी क्या होता है हीट कैपैसिटी ओके okay. बेटा इन दोनों में फर्क क्या है मैथ्स का फर्क है ना अगर मैं ऐसे लिख के बताऊं ना आपको फिर शायद ज्यादा समझ में आ जाए इस तरह लिख के बताऊं अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा हीट कैपेसिटी होती है आ, सी डेल्टा टी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एम सी डेल्टा टी है ना इन दोनों में फर्क क्या है यहां पे अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाओ ना यहां पे सब्जेक्ट बनाओ तो ये बनेगा इसमें इसको सब्जेक्ट बनाओ तो ये बनेगा अब इन दोनों फार्मूलाज पर गौर करें क्या चीज कैपिटल सी सी क्यू ओवर डेल्टा टी है और ये क्या क्यू ओवर एम डेल्टा टी एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है एम मतलब ये अगर मैं यहां पे इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देता एम के ऊपर तो ये बन जाता ना इस चीज को एम पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ना इस चीज को एम पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ना लाइक दैट, ठीक है ओके हाँ जी चले मुझे सोच के बताएं एक मटेरियल है उसकी हीट कैपेसिटी है टू जॉल्स पर ग्राम पर कैलवन तुम बताओ बेटी जी एक मटेरियल है उसकी हीट कैपेसिटी टू जॉल्स पर ग्राम पर कैलवन एक ग्राम बस नई चीज का वरना तो एक केजी होता ना कहा गया मैं लिखी यूनिट बिटा दी Sorry. होती है, होती, होती है ना कभी कभी ऐसे भी करने के लिए देता है। पानी की के अभी थी, 4200 पर केजी, पर एक केजी पानी का एक कैलवन टेम्परेचर चेंज करने के लिए 4200 चाहिए अगर मैंने ऐसे लिखा हो सुनो प्लीज 4.2 पॉइंट जॉल्स पर ग्राम पर कैलवन इसका मतलब क्या होगा एक ग्राम पानी का एक कैलवन टेम्परेचर चेंज करने के लिए फोर पॉइंट टू जॉल्स एनर्जी चाहिए आप क्या कह रही है एक ग्राम का, एक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए टू जाउल तो अगर आपको डेटा दिया हुआ है जाउल्स पर ग्राम पर कैलवन में और आपको ऐसा यूनिट बनानी है जाउल्स पर केजी तो इसको क्या करेंगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे आप कहेंगे सर ग्राम को केजी में करना हो तो थाउजेंड पर डिवाइड नहीं करते यहां तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा वो तब होता है यहां पे पता है इसकी यूनिट क्या बन रही है 4.2 पॉइंट जॉल्स नीचे आ रहा है ग्राम जब न्यूमिनेटर में हो ना न्यूमिनेटर में हो ग्राम के में चेंज करना थाउजेंड पर डिवाइड करते हैं अब ये डिनोमिनेटर में है तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे रेशो प्रमोशन से भी कर सकते हो आप पे लिखा हुआ है ना 4.2 पॉइंट टू पर ग्राम एक ग्राम का टेम्परेचर चेंज करने के लिए 4.2 चाहिए तो के जी का मतलब थाउजेंड ग्राम थाउजेंड का कितनी चाहिए होगी चाहिए होगी यार थाउजेंड टाइम ज्यादा इसको थाउजेंड पे डिवाइड नहीं करना थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना तो यह बनेगा तो जॉल्स पर केजी पर कैल वन जॉल्स पर ग्राम पर कैल अगर आपको ग्राम में दिया हो इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कभी कभी ऐसे होता है अच्छा अभी पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है मेटल्स की कम होती है लिखे वाटर हैज लार्जर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखिए वाटर हैज लार्जर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर हैज लार्जर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है जी 4200 टू पर केजी पर कैलवन मेटल्स की पता कितनी होती है किसी टिपिकल मेटल की वह है जी फोर हंड्रेड जॉल्स पर केजी पर कैलवन देखो एक ये पानी की है पानी को 4200 टू जॉल एनर्जी देंगे एक के जी पानी को 4200 टू जॉल एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर वन कैलवन बढ़ेगा लेकिन अगर इस मेटल को आप 4200 टू जॉल एनर्जी दे देंगे तो उसका टेम्परेचर एक कैलवन नहीं बढ़ेगा इसको एक कैल्वन बढ़ाने के लिए तो चार जॉल चाहिए तो इसको चार सौ भी डिवाइड करें क्या हो जाएगा टेन पॉइंट फाइव ऑलमोस्ट है ना देखो बेटा पानी को 4200 जॉल्स एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर वन कैलवन बढ़ेगा एक के जी पानी को एक के जी पानी मैस कितने वन के जी पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा एक के जी पानी को इतने जॉल्स एनर्जी देंगे तो उसका वन कैलवन बढ़ेगा मेटल है उसके एक के जी मेटल को इतनी एनर्जी देंगे तो वन कैलवन बढ़ेगा अगर मैं इन दोनों को फोटी टू हंड्रेड जॉल्स एनर्जी दे दूं तो पानी का टेम्परेचर तो वन बढ़ जाएगा लेकिन इसका टेंपरेचर कितना बढ़ेगा इसको जब फोर्टी टू हंड्रेड मिलेगा तो उसका टेम्परेचर टेन पॉइंट फाइव बढ़ेगा तो मेटल जल्दी गर्म होती है जल्दी ठंडी होती है क्योंकि इनकी हीट कैपेसिटी कम होती है पानी देर से गर्म होता है देर से ठंडा होता है क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है पानी की हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इसलिए चीज़ों को ठंडा करने के लिए पानी यूज़ करते हैं घर में छुरी गर्म होगी चिमटा गर्म हो गया पानी में डिप करेंगे ठंडा हो जाएगा दीवार से नहीं लगाएंगे गाड़ी को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी कूलेंट भी पानी की टाइप है कूलेंट डालते हैं क्यों डालते हैं पानी इंजन में घूम इंजन में पिस्टन्स होते हैं ना पिस्टर्स जब ऊपर नीचे मूव करते हैं ना फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है इंजन अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो उसके पिस्टन रुक सकते हैं सीज हो सकते हैं तो गाड़ी के इंजन को ज़्यादा गर्म नहीं होना होता ठंडा रखना होता है तो हम क्या करते हैं पानी डालते हैं पानी पता है क्या सुन तो लो यार पानी इंजन में घूम के आता है तो पानी क्या करता है इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करता है खुद कम गर्म होता है इंजन को ज्यादा ठंडा करता है भाई पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है ना पानी की हीट कैपेसिटी क्या है पानी ने चले आप समझो एक के जी पानी और एक के जी का इंजन है सपोज करें होता नहीं है ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूं एक के जी पानी है गाड़ी में और एक के जी का इंजन है फोर्टी टू हंड्रेड जॉल्स एनर्जी एब्जॉर्ब की एक के जी इंजन ने पानी ने पानी एक इंजन ने 4200 टू जॉल्स एनर्जी पानी को दी जब पानी इतनी एनर्जी लेगा तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वन कैल्सन लेकिन इंजन जब इतनी हेन्टरेचर निकालेगा इतनी एनर्जी निकालेगा तो उसका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा टेन पॉइंट इंजन की हीट कैपेसिटी मेटल का बना हुआ है ना मेटल की हीट कैपेसिटी कम है जितनी इंजन हीट लूज करेगा पानी उतनी एब्जॉर्ब करेगा तो जब इतनी एनर्जी पानी को मिलेगी उसका टेम्परेचर वन बढ़ेगा सिर्फ लेकिन इंजन का टेंपरेचर कितना कम हो जाएगा अगर सेम मैस है तो टेन पॉइंट फाइव डिग्रीज तो इसलिए हम चीजों को ठंडा करने के लिए पानी यूज करते हैं तो क्या लिखा आपने आखिरी पॉइंट वाटर हैज लार्जर हीट कैपेसिटी देयर फोर वी यूज वाटर एज ए कूलेंट देयर वी यूज वाटर एज ए कूलेंट देयर वी यूज वाटर एज ए कूलेंट अगेन अगर आपके पास दो तीन मैसेज हैं ए बी सी हीट ऐड कर रहे हैं सेम रेट के ऊपर किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी जिसका टेम्परेचर चेंज ज्यादा है उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी तो वही ग्राफ बना के देख लेंगे जैसे पहले किया था यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे टाइम ए का ग्राफ यू बन रहा है यूँ बन रहा है एक का यू बन रहा है ए बी सी तो किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है सी की ज्यादा है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है ज्यादा है क्यों क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या है कम जितना कम टेम्परेचर चेंज होगा जितनी चीज कम गर्म होगी उतनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी दोनों में ऐसा ही है चाहे हीट कैपेसिटी का ग्राफ है चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ग्राफ है जिसका ग्रेडियंट कम है उसकी हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है ज्यादा है इज इट क्लियर टू यू कल यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह थैंक यू आप लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट दिया था ना सबने यार अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो ग्रेड नहीं आएंगे